हाय, अस्सलाम वालेकुम। तो आपको टाइटल पढ़ के समझ में आ गया होगा दैट व्हाट वी आर डूइंग टुडे। टुडे आई एम गोइंग टू मेक पिज़्ज़ा एंड ये होगा चिकन टिक्का स्ट्रीट स्टाइल पिज़्ज़ा। सो बेसिकली द प्लान इज़ दैट फॉर दिस रमदान आई वांट टू लाइक डिस्कवर अ फ्यू रेसिपीज जो बहुत ईजी टू मेक हो, टाइम कंज्यूमिंग ना हो और ऑयली ज़्यादा ना हो। आई मीन ऑयली भी हम खाएंगे, ज़रूर खाएंगे, बट यू नो थोड़ा बैलेंस में चलना है। वेट गेन ज़्यादा नहीं करना है, ज़्यादा हमें यू नो कुकिंग में मसरूफ़ नहीं रहना है। वी नीड टू लाइक फाइंड अ वे आउट टू बैलेंस एवरीथिंग, राइट। तो ये ऐसी रेसिपी है जो बहुत ईजी टू मेक है, तो चलिए हम फटाफट बनाते हैं। सो एज़ यू सॉ, मैंने है पहले अपना कटिंग कर दिया एंड आई यूज्ड ओनली वेजीज, ओनली अनियन एंड कैप्सिकम। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग अपने कोई भी फेवरेट वेजिटेबल्स यू कैन यूज़। और ये मेरा चिकन जो आपने देखा दैट इज़ ऑलरेडी मैरिनेटेड। आप कोई भी तंदूरी मसाला, टिक्का मसाला लेके उसे मैरिनेट कर ले एंड फ्राई योर चिकन, मेक इट सॉफ्ट एंड टेंडर बिकॉज यू नो सॉफ्ट एंड टेंडर ही अच्छा लगता है। और बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड मैनर में अगर हम कुकिंग करते हैं तो कुकिंग बहुत ईजी हो जाती है। सो मेक श्योर एवरीथिंग इज़ ऑर्गेनाइज्ड। और फिर क्या है, यहाँ हम बना रहे हैं अपनी चटनी, लाइक वी आर मेकिंग सॉस नॉट चटनी। एंड फॉर सॉस आई एम यूजिंग शेज़वान चटनी। यू कैन टेक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, लाइक अगर आपको और स्पाइसी चाहिए तो आप और स्पाइसी कर दें, अगर आपको नहीं इतनी स्पाइसी चाहिए तो आप कम डालें। एंड ऑफ कोर्स विल ऐड सम केचप। और ये यहाँ पे मतलब मुझे बहुत परेशानी हो रही थी इसे निकालने में, बट आई फाउंड अ वे, मैंने उसको स्क्वीज कर दिया पूरा। एनीवे इसको मिक्स कर दो। यू कैन यूज़ रेडी पिज़्ज़ा सॉस टू, बट मुझे उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं लगता पिज़्ज़ा सॉस का, तो मेरा पर्सनल चॉइस तो यही रहता है। बट आप यार कुछ भी कर सकते हैं, यू कैन मेक इट लाइक योर टेस्ट। और ये जो है अखा चीज़ ब्लॉक, इस पे से यू जस्ट हैव टू श्रेड इट। द पॉइंट इज़ पहले से आप सारी चीज़ें जो आप टॉप करने वाले हो ना प्रिपेयर कर दें, वो प्रिपेयर हो जाएगा। उसके बाद जो काम है वो इतना ईजी हो जाएगा दैट आई मीन आप लोग को पता ही होगा कि प्रेपरेशन पहले करने से बनाने का काम बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, राइट। अब चले हम इसको श्रेड करते हैं। सो यू कैन यूज़ एनी पिज़्ज़ा टॉपिंग ऑफ योर चॉइस, यू कैन यूज़ मोज़रेला, शिडार, बट मुझे जो है यही अच्छा लगता है। प्लीज़ इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है, मुझे मोज़रेला में टेस्ट नहीं आता वैसे, लेकिन वो चीज़ पुल के लिए अच्छा रहता है, सो यू कैन डू दैट। तो ये देखिए, और स्ट्रीट स्टाइल में दे यूज़ दिस चीज़ ओनली, उसका जायका ही अलग होता है जो हम स्ट्रीट पर पिज़्ज़ा खाते हैं। सो द पॉइंट इज़ वी वॉन्ट टू मेक इट लाइक दैट ओनली, सो बेसिक चीज़ ही यूज़ करो यार, क्यों मोज़रेला के चक्कर में जा रहे हो। एनी वे, तो यहाँ पर ये श्रेड हो गया है, और मैं क्या बकवास करूँ, कुछ सूझ नहीं रहा। तो ये मैंने रेडी टू लाइक रेडी मेड पिज़्ज़ा बेस है वो मैंने खरीद लिया, आपको कोई भी लोकल पाव की दुकान में मिल जाती है। सो मेक श्योर इट्स फ्रेश। बाकी क्या है यार, हमें ही तो खाना है, है कि नहीं। सो द स्पेशलिटी ऑफ दिस डिश इज़ दैट ये बहुत ही जल्दी बन जाता है। इसमें मतलब आपको हार्डली 30-45 मिनट्स लगा होगा इसे प्रिपेयर करने में। और एक चीज़ कि ये ऑयली नहीं है, तो आपको जो है लाइक मगरिब के टाइम पे, असर के टाइम पे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती कि आप ऑयल गर्म करो, आप पकाओ। ऑल्सो इट्स वेरी हेल्दी पिज़्ज़ा, इज़ अ वेरी हेल्दी फूड अकॉर्डिंग टू मी बिकॉज इट कंटेन्स चीज, चीज इज़ हेल्दी फैट, वेजिटेबल्स है, चिकन है, प्रोटीन है, बस मैदा है। अब थोड़ा तो चलता है यार, रमदान है, थोड़ा तो खा सकते हैं यार हम, क्यों। और अगर आप लोग इंटरेस्टेड है टू नो सिंपल ईजी रेसिपीज जो विद इन हाफ एन आवर 45 मिनट्स में बन जाए, तो कीप फॉलोइंग माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब इट। तो मुझे थोड़ा मोटिवेशन आएगा तो मैं और ऐसे वीडियोज़ जो है बना के डाल सकूँगी। और ये खाली ऐसे फॉर मेरे लिए भी वो है कि यू नो इट्स माई फर्स्ट रमदान दैट आई एम रिस्पॉन्सिबल टू मेक फूड, तो थोड़ा मैं चाहती हूँ कि इस टाइम ना सब कुछ बैलेंस रहे, माई कुरान रीडिंग, माई कुरान रिसाइटिंग, माई नमाज, माई यू नो
हम जो तस्बियां करते हैं वो दिकर, वो सब कुछ बैलेंस में चलना है। खाना भी हमें खाना है, इबादतें भी करनी है, बट खाना बनाने में इतने ना मसरूफ़ हो जाओ कि इबादत छूट जाए, राइट? तो हम लोग किसी दिन हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा हेवी खाना और किसी दिन हम बनाएंगे इजी क्विक टू मेक फूड। सो यू नो, मैं आपके साथ डेजर्ट्स की भी रेसिपी शेयर करूँगी और जस्ट कीप सपोर्टिंग मी एंड मोटिवेटिंग मी। अगर आप मुझे सपोर्ट और मोटिवेशन दोगे तो आई कैन लाइक कीप डूइंग इट, वरना मैं बहुत जल्दी हार मान जाती हूँ यार। सो यहाँ भर दो उसको चीज़ में, क्योंकि हम लोग जो है चीज़ आने में कंजूसी करते हैं तो वो बाहर सा टेस्ट नहीं आता है। चीज़ भर के डाल दो, समझ रहे हो आप? डाल दो चीज़, कुछ नहीं होता। और मैं ये जो पिज़्ज़ा है इसको मैं चूल्हे पे ही सेकने वाली हूँ। अगर आपके पास अवन नहीं है तो आप इसको चूल्हे पे बहुत ईजीली विद इन 5 मिनट्स आप इसको सेक सकते हो। आपको प्री हीट करने की भी ज़रूरत नहीं लगेगी, जस्ट यू नो इट्स ओनली 5 मिनट्स का काम। उसको आप लो फ्लेम पे जो है ढाक कर रख दें एंड मेक श्योर नीचे से जल ना जाए। तो बस यही है, मेरे पास अवन नहीं है फ़िलहाल, तो मैं तो यही काम चला लेती हूँ। ऐसे ही काम चल जाता है गाइस, चलाते तो काम चल जाता है। तो आप सुन रहे हो इसकी जो क्रिस्पी वॉइस कैसी आ रही है। तो बस आपको इसी तरह रेसिपी फॉलो करनी है और स्ट्रीट स्टाइल पिज़्ज़ा आपको घर में बन जाएगा विद इन 1 आवर। 1 आवर से ज़्यादा नहीं लगता गाइस, 1 आवर ही लगता है बस। आपको यार आप खाना इसे, आपको मज़ा आ जाएगा, बहुत इजी है, हेल्दी। बिना लाइक और शेयर करें मत जाना यार, प्लीज़।